Hello everyone, my name is Shelja Chhabra and I'm your EVS teacher, and today we are going to start with the chapter number 3 of class 5 of NCERT book. Okay, and the chapter name is From Tasting to Digesting. ठीक है, लेकिन आज हम जो करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डू द कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3, क्योंकि हमने लास्ट 2 वीडियोस हमने इसी चैप्टर की ऑलरेडी बना रखी हैं. अब हम चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का थर्ड वीडियो बनाएंगे. ओके, अब इसमें क्या है, देखो हमने पहले अब जो हमने अभी तक किया है 2 वीडियोस में, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ उसमें हमने क्या किया था. तो उसमें हमने देखो हमने खाने से लेकर फूड के डाइजेशन तक का पूरा प्रोसेस बताया था कि हमारा जो फूड है कैसे मुंह में जाता है, उसके बाद आपकी बॉडी में आगे कहाँ कहाँ जाता है. ठीक है, हमने उसके एक पिक भी ड्रॉ की थी. ओके, तो इसमें सबसे पहले जो था पेज नंबर 22 पे था, हमने पढ़ा था पेज नंबर 22 और 23 पे. इसमें एक ना झुंपा एक गर्ल थी. ठीक है, वो भागती हुई मम्मा के पास जाती है, मम्मा मम्मा मैंने ये नहीं खाना, मम्मा मैंने वो नहीं खाना, मुझे तो आप कुछ अलग से दो. ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसका जो टेस्ट बड्स है वो डेवलप नहीं हो रखे थे, वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ गुड़ और रोटी खाती थी. ठीक है, तो उसकी एक सिस्टर थी, उसने क्या किया, सिस्टर या फ्रेंड वॉट एवर शी वॉज, तो उसने क्या किया, वो बोलती है कि ना चल एक गेम प्ले करते हैं. और वो क्या करती है, वो झुंपा को बोलती है कि ना एक गेम प्ले करते हैं, और उसमें वो उसमें ना वो उसकी आंखों के आगे पट्टी बांध देती है और बोलती है कि ना अब मैं तेरे मुंह में जो भी डालूंगी ना तो वो तू खाएगी, और उसके बाद तू उसको टेस्ट करके बताएगी कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है. ठीक है, तो उसने ये गेम प्ले की, उसने बताया कि ये चीज़ें हैं. फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे पेज नंबर 23 पे जो कि हमने किए थे. ठीक है, फिर हमने किया था पेज नंबर 24 पे, उसमें भी यही सब था कि टेस्ट जो टंग के ऊपर जो टेस्ट होता है वो कौन कौन से पार्ट्स पे होता है, मतलब जो टंग के ऊपर जो बिटर टेस्ट आता है वो कौन से पार्ट पे आता है, और टंग के ऊपर जो दूसरा टेस्ट होता है मतलब जो स्वीट टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है, तो ये कौन कौन से पार्ट्स पे होता है टंग के. ठीक है, ये सब किया था. उसके बाद हमने पेज नंबर 25 पे हमने फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड थे, सब कुछ वो हमने किए थे. देन पेज नंबर 25 पे लास्ट में एक टॉपिक है च्यू इट और च्यू इट वेल. तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था कि अगर हम च्यू ठीक से नहीं करते हैं, कोई भी चीज आपने मुंह में डाली ठीक है और आपने उसे ठीक से च्यू नहीं किया है, तो उससे क्या होगा, आपके पेट में दर्द होगा, आपका जो फूड होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा और आपके पेट में दर्द होने लग जाएगी. ठीक है, और जो अगर आप ठीक से उसको च्यू करते हो ठीक है, तो जो फूड के अंदर जो सलाइवा आपके मुंह में होता है ना, सलाइवा तो जानते हो ना आप क्या होता है, जो सलाइवा होता है आपके मुंह में वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और आपका फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, और इसी सलाइवा को हम आगे आपकी बॉडी के अंदर, जब वो आगे अंदर भी होता है ना सलाइवा, उसको हम बोलते हैं बाइल जूस. लेकिन हमने ये सब नहीं किया है बाइल जूस के बारे में, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में आपको पता चलेगा. अभी यू आर वेरी स्मॉल, यू आर इन क्लास 5, इसके अंदर अभी आपको बाइल जूस वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया है. ठीक है, तो आगे हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे पेज नंबर 26 पे. ठीक है, वो सब हमने किए थे. फिर उसके बाद हमने पेज नंबर 27 पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसके अंदर हमने कुछ उसमें लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. तो देखो इसमें जो था, आपका जो फूड होता है वो मुंह में जाता है, देन उसके बाद फूड पाइप पे जाता है, फिर वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाता है और कहाँ से फिर बाहर आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हमने कुछ किया था. ठीक है, और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे, वो सब किए थे. फिर उसके बाद पेज नंबर 28 पे हमने किया था, नीतू एक गर्ल थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई. ठीक है, और उसके जो पापा थे उसको सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन दिया उसके पापा ने. ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही थी उसको, और जब तक उसको डॉक्टर पे लेके गए, हॉस्पिटल तक लेके गए, वो फेंट भी हो गई थी. ठीक है, और डॉक्टर ने क्या किया, उसको ग्लूकोज चढ़ा दी. ठीक है, तो अब वो थोड़ी सरप्राइज थी कि ये क्या है ये ग्लूकोज ड्रिप. जब मैं स्कूल में कभी प्ले करती हूँ गेम्स वगैरह, तो हमारी जो टीचर है वो भी हमें बोलती है प्ले करने के बाद कि आप ग्लूकोज पी लो.
तो इससे क्या होता है, तो वो सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है कि ग्लूकोज ड्रिप आपको स्ट्रेंथ देती है बहुत जल्दी से, तो इसलिए ग्लूकोज ड्रिप लगाई जाती है। तो उससे रिलेटेड हमने एक ही क्वेश्चन किया था, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 29 पे। 29 पे हम सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ओके। अभी हम पढ़ते हैं पेज नंबर 29 पे। तो इसमें क्या हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने कभी टेस्ट किया है ग्लूकोज को? तो हाउ डज इट टेस्ट, तो ये कैसा इसका टेस्ट होता है, टेल योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ। देखो इसका जो ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा मीठा सा होता है। तो वी विल राइट यस, हमने यस आई हैव, तो सबने किया होता है टेस्ट तो ग्लूकोज। आप अपनी मम्मा से पूछो, अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो ग्लूकोज का एक ना बॉक्स मिलता है, आप उसमें आप पानी में ग्लूकोज एक स्पून डाल के पियो, बहुत टेस्टी लगता है। यस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, ओके। हाउ डज इट टेस्ट, इट टेस्ट स्वीट, ओके। एंड टेल योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ कि मैंने ग्लूकोज पिया था और वो मीठा मीठा था, बहुत ही टेस्टी था, ओके। हैव यू और एनी अदर इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या आपको या आपकी किसी फैमिली में किसी मेंबर को ग्लूकोज ड्रिप लगी है? व्हेन एंड व्हाई, कब और कहाँ पर और क्यों, ठीक है। टेल इट क्लास, टेल द क्लास अबाउट इट, आप अपनी क्लास को इसके बारे में बताओ। तो ये है तो आपका अपना एक्सपीरियंस ही कि कभी लगी है या नहीं लगी है, ये तो आपको खुद ही बताना है। बट देन ऑल्सो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। तो वंस माई ग्रैंडफादर, या फिर ग्रैंड मदर, या फिर कोई भी आपके फैमिली में, माई ग्रैंडफादर हैड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल बिकॉज शी वॉज सिक, बिकॉज ही वॉज सिक। ही वॉज सिक, ही वॉज गिवन द ग्लूकोज ड्रिप इन द हॉस्पिटल। He was given the glucose drip in the hospital and doctor said that this would help him to recover quickly. This would help him to recover quickly. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीतूस टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तो जो नीतू थी, अभी हमने लास्ट जो उसमें किया है लास्ट पेज पे, पेज नंबर 28 पे, कि नीतू की जो टीचर है वो बताती है गर्ल्स को, वो बोलती है गर्ल्स को कि ग्लूकोज पियो जब वो प्ले कर रहे हैं हॉकी, ठीक है। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, कि ऐसा क्यों वो बोलती है? देखो जब क्या होता है, जब गर्मी होती है, जब आप प्ले कर रहे हो कुछ भी, तो उससे क्या होता है, काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या आपको स्वेटिंग होती है, तो पानी आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो उस पानी को रिकवर करने के लिए, ठीक है, आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, लॉट ऑफ स्वेटिंग happens
when you play outdoor games? This results in loss of water and sugar and also salt. Loss of water, salt and sugar from the body. This can sap your energy easily. Glucose solution quickly replenish loss of water. Glucose solution quickly replenish lost of water. Okay. Next is, look at Neetu's picture and describe what is happening. देखो आप नीतू की पिक्चर देखो अभी पीछे. देखो इसके अंदर जो नीतू है, नीतू की पिक्चर आप देखो एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग. तो क्या हो रहा था ये डिस्क्राइब करना है. हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन. तो ये जो ग्लूकोज ड्रिप है वो कैसे दी जा रही है. तो इसमें आप आंसर लिखोगे कि ये जो पिक्चर है ये ग्लूकोज ड्रिप सॉल्यूशन जो है ये जो यहाँ पर है ये ग्लूकोज ड्रिप है. ठीक है, ग्लूकोज ड्रिप है इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी इस बॉटल के अंदर, और ये नीतू को दी जा रही है. तो एक ट्यूब है और एक नीडल भी है. ये देखो ये ट्यूब है और ये यहाँ पर एक नीडल लगाई गई है और ये सप्लाई कर रही है ग्लूकोज को यहाँ उसकी बॉडी में. ओके, तो आप इसमें कैसे आंसर करोगे, इसको इसको लिखोगे दिस पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप. Being given to Neetu. The solution is in a bottle. Glucose solution is in the bottle. A tube and needle, a tube and needle is used for supplying glucose to the body. To the body. ओके, नेक्स्ट है मार्टिन्स विंडो. तो अब ये जो ऑरेंज आपका जो बॉक्स बना हुआ है तो उसमें क्या लिखा है, उसमें उसमें ना एक आपकी पोयम दे रखी है. इसमें आपकी पोयम दे रखी है, इसमें क्या लिखा है, हेयर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी, एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लेड अ लॉट.
The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. तो अब हम थोड़ा इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा है. इसमें है कि ये एक बहुत ही थोड़ी पुरानी स्टोरी है. इट सीम्स सो फनी, थोड़ी सी फनी लग रही है. देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन स्टमक. एक मार्टिन है, मार्टिन एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है. फाइट करने के टाइम पे क्या हुआ, उसके एक शॉट लग गया, ठीक है. तो अब क्या हुआ, देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन स्टमी. अब एक विंडो है मार्टिन के टमी में. एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट. बाय मिस्टेक, गलती से मार्टिन शॉट हो गया, ऐसे शॉट लग गया उसके. राइट इन द स्टमक, इट ब्लेड अ लॉट. और स्टमक के अंदर काफी ज्यादा ब्लड निकला. द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन. जो वाउंड था, जो जो उनका वाउंड था, वो धीरे धीरे करके भर गया, ठीक है. जो चोट थी वो धीरे धीरे करके भर गई. और जो एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, और जो और वो स्किन से कवर हो गया. बट द होल वॉज स्टिल देयर, लेकिन जो होल था वो अभी भी था उसके अंदर. यू कुड पीप राइट इन, तो आप उसमें कुछ भी खा पी भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है. ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी. ओ माई गॉड, ये तो चांस बन गया डॉक्टर्स के लिए कि वो स्टडी कर सके उसके पेट को. What happens to the food inside the body? कि वो जो डॉक्टर से उनको चांस मिल गया कि वो पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं कि खाना अंदर हमारी बॉडी में कैसे कैसे जाता है. The story seems odd. जो स्टोरी है थोड़ी सी odd लग रही है, but it is really true. लेकिन ये सच्ची स्टोरी है. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. जो सीक्रेट था मार्टिन के स्टमक का, वो हम सबको उसने हेल्प करा, ठीक है. तो अब आगे पेज नंबर 29 पे अब हम आगे पढ़ते हैं. ये क्या है, ये एक स्टोरी है, ठीक है. अ स्टमक इन अ विंडो. तो अभी हमने जस्ट पोम पढ़ी है, अब इसके ऊपर ही एक स्टोरी भी राइट की गई है. इसमें लिखा है, इन द पोम यू रेड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन. तो आपने इस पोएम में एक सोल्जर के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है मार्टिन, ठीक है. मार्टिन एक सोल्जर का नाम है. इन 1822, ये 1822 की बात है. ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड. वो सिर्फ 18 ईयर्स का था. एंड वॉज वेरी हेल्दी. और वो बहुत ज्यादा हेल्दी था. वेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट. तो जब उसको शॉट उस पर पड़ा, मतलब गन से शॉट हुआ उसके साथ, तो वो काफी ज्यादा हर्ट हुआ, ठीक है. काफी चोट लगी उसके. एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. और उस टाइम पे एक थे डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर ब्यूमॉन्ट. उनको बुलाया गया उनको ट्रीट करने के लिए. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वाउंड. जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे उन्होंने उनका वाउंड को क्लीन करा और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग की. आफ्टर 1.5 years, मतलब करीब करीब 1.5 साल के बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. जो डॉक्टर ने ये देखा कि जो मार्टिन का वाउंड था वो हील हो गया है, मतलब ठीक हो गया है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एक चीज के बिना. ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. उसकी जो स्टमक के अंदर एक बहुत बड़ा छेद था, बहुत बड़ा होल था. द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन. जो होल था उसके ऊपर एक बहुत ही पतली सी लेयर थी स्किन की. लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, ठीक है, एक फुटबॉल के वॉशर की तरह. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक. आप स्किन को अगर प्रेस करते हो तो आप उसकी मार्टिन की स्टमक के अंदर देख सकते हो. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. ओ माई गॉड, ये क्या, ये भी हो सकता है. माई गॉड. नॉट ओनली दैट, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर कि सिर्फ इतना ही नहीं कि आप देख ही नहीं सकते, इवन आप उसके अंदर अगर एक ट्यूब अंदर एंटर कर दोगे तो उसके अंदर से खाना बाहर भी निकाल सकते हो. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को लगा कि अरे इसको तो एक खजाना मिल गया. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को एक तो खजाना मिल गया, जैसे कि
कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिज स्टमक? तो क्या आप गेस कर सकते हो कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया होगा कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पे उनके स्टमक पे? 9 ईयर्स, मतलब 9 ईयर्स तक वो उनके ऊपर कंटिन्यूसली उनके ऊपर करते ही गए एक्सपेरिमेंट्स। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, और इस टाइम के अंदर अंदर जो मार्टिन था वो बड़ा हो गया और साथ में उसकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, तब तक जो साइंटिस्ट थे उनको ये भी नहीं पता था कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प, कि कैसे डाइजेस्टिव जूसेस यानी जो लिक्विड होता है वो कैसे स्टमक में हेल्प करता है? डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या वो सिर्फ वेट और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है? और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, क्या वो डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक, और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने थोड़ा सा लिक्विड यानी जूसेस उसमें से बाहर निकाले। ही वॉन्टेड टू सी वट वुड हैपन टू अ फूड आइटम कैप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट, तो वो देखना चाहते थे कि क्या होता है उस फूड आइटम का जब वो ग्लास के अंदर उसको फिल करते हैं। वुड इट बी डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, तो क्या वो खाना अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टूक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द स्टमक, और उस ट्यूब की हेल्प से उन्होंने डाइजेस्टिव जूसेस उसमें से स्टमक में से बाहर निकाले। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसीज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 ml ऑफ जूस, और 8:30 AM में, मतलब मॉर्निंग में, AM मतलब मॉर्निंग में, 8:30 AM पे उन्होंने 20 टाइनी छोटे छोटे पीसेस बॉइल्ड फिश के लिए और उसके अंदर जूस के अंदर मिक्स कर दिए। ही kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 degrees Celsius. हमारी स्टमक का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 30 degrees Celsius, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि वहाँ उसके आसपास के एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो 30 degrees Celsius उसको कर दिया, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर 30 degrees Celsius टेम्परेचर भी होता है। When he checked at 2 p.m., मतलब 8:30 मॉर्निंग में रखा और आफ्टरनून में 2 o'clock उन्होंने चेक किया, he found that the pieces of fish had dissolved, और उन्होंने ये देखा कि जो फिश के जो पीसीज हैं वो डिजोल्व हो गए, उसके अंदर मिक्स हो गए। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो काफ़ी सारी फूड आइटम्स के साथ और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, और मार्टिन को भी वो जो सेम फूड था, जैसे अगर उन्होंने फिश खिलाई तो सेम टाइम उन्होंने फिश मार्टिन को भी खिलाई और गिलास में भी पुट इन की, ठीक है। एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर द फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक, और उन्होंने ये चेक किया कि जो फूड जो ग्लास में डाला और मार्टिन की स्टमक में डाला तो वो क्या सेम टाइम ले रहा है या कुछ अलग टाइम ले रहा है, या फिर अलग ले रहा है तो कितना टाइम ले रहा है डाइजेस्ट होने में फूड को, ठीक है। अब आगे पेज नंबर 31 पे हम देखते हैं, हेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने रिकॉर्ड की हैं जिसके अंदर उन्होंने देखा है कि जो अनबॉइल्ड मिल्क होता है जिसको हमने बॉइल नहीं किया है तो स्टमक के अंदर 2 hours and 15 minutes लिए, और ग्लास के अंदर उसी को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अगर उसे रखा गया तो उसने लिया 4 hours and 45 minutes, और बॉइल्ड मिल्क को 2 hours लिए और 4 hours 15 minutes ग्लास में लिए, और फुल बॉइल्ड एग को उन्होंने लिया 3 hours and 30 minutes और ग्लास के अंदर उन्होंने लिया 8 hours, ठीक है। और हाफ बॉइल्ड एग जो थे वो 3 hours लिए डाइजेस्ट होने में और 6 hours 30 minutes ग्लास के अंदर लिए गए। और नेक्स्ट है रॉ एग बीटन, ठीक है, रॉ एग जो बीट किया गया वो लिया गया 2 hours में डाइजेस्ट हुआ स्टमक के अंदर और 4 hours 15 minutes में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ ग्लास में वो मिक्स हुआ डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। और रॉ एग को लिया गया जो कि 1 hour 30 minutes में डाइजेस्ट हुआ स्टमक में और 4 hours में 4 hours ग्लास के अंदर डाइजेस्ट हुआ विथ डाइजेस्टिव जूसेस।
सो व्हाट डज अवर स्टमक डू, तो हमारी स्टमक क्या करती है, ठीक है. नेक्स्ट है, डॉक्टर ब्यूमॉन डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन. तो डॉक्टर ब्यूमॉन ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे सीक्रेट्स पहचाने डाइजेशन के लिए, क्या क्या होते हैं, ठीक है. ही फाउंड, जो कि आजकल आप भी पढ़ते हैं, ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन अवर स्टमक देन आउटसाइड. उन्होंने ये भी देखा कि हमारी स्टमक के अंदर फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है देन आउटसाइड, यानी बाहर के कंपैरेटिवली. डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, क्या आपने नोटिस किया इस टेबल में, अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. हमारी जो स्टमक है चर्न करती है फूड को डाइजेस्ट करने में. ये आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे जाओगे कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है तब आप पढ़ोगे. द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली When Martin was sad, लेकिन और साथ में जब मार्टिन सैड था तो उस टाइम पे डॉक्टर ने ये भी देखा कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ठीक से, तो इसका मतलब आपको हैप्पी रहना है, ओके. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक, और उन्होंने ये भी देखा कि हमारी स्टमक के अंदर जो जूस होता है, जो फूड होता है, वो एसिडिक भी हो जाता है. हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या आपने कभी एसिडिटी का नाम सुना है. स्पेशली व्हेन द पर्सन हैज नॉट ईटन वेल, स्पेशली जब आपके जब वो पर्सन ने ठीक से खाना ना खाया हो, और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, और जब और या फिर जो फूड है वो ठीक से डाइजेस्ट ना हुआ हो. आगे लिखा है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो काफ़ी फेमस हो गए वर्ल्ड में. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. तो नो व्हाट डिड दे से, नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक. देखो उन्होंने किसी ने भी शूट नहीं किया किसी भी स्टमक में, तो उन्होंने नॉट डिड दे वेट, और ना ही उन्होंने किसी के पेशेंट के पेट में स्टमक में होल होने के लिए वेट किया. दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड अवर बॉडीज, उन्होंने और बहुत सारे साइंटिफिक वेज उन्होंने ढूंढे हमारी बॉडी में देखने के लिए. डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, और शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर स्टमक, तो क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई मार्टिन की, या फिर आपकी जो स्टमक की स्टोरी है ये कह सकते हो, तो आपको ये समझ में आई या अच्छी लगी, ठीक है. तो आगे क्वेश्चंस हैं, थिंक एंड डिस्कस. इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन, अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन की जगह पर होते, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ अवर स्टमक, तो आप क्या करते अपनी हमारी स्टमक को स्टमक के सीक्रेट्स को पहचानने के लिए. राइट अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स, तो उसके बारे में आप राइट करो उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ओके. तो आप इसका आंसर आप लिख सकते हो, इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन, इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन, with rice, chapati, even cold drinks और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते, सैलड वगैरह हो गया, ठीक है. इट वुड हैव टेकन आउट डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम मार्टिन स्टमक एंड वुड हैव केप्ट इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब वही सेम एक्सपेरिमेंट जो कि डॉक्टर मार्टिन ने किया तो मैं भी वही सब करता,
ठीक है, आप ये सब कुछ भी इसमें आप एड ऑन कर सकते हो। गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा, देखो अब इसके अंदर एक और सिचुएशन है, उसमें क्या है, एक डॉक्टर अपर्णा है, उनके पास दो पेशेंट्स हैं, उनका नेम है रश्मि एंड कैलाश, ठीक है, एक रश्मि है और एक कैलाश है। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। तो उन्होंने दोनों से बात की, डॉक्टर अपर्णा ने, तो उन्होंने, अब देखो इसमें क्या उन्होंने फाउंड किया, रश्मि 5 ईयर्स की गर्ल है और वो 3 ईयर्स की लगती है, ठीक है। शी हैज वेरी थिन आर्म्स, उसकी बहुत ही पतली पतली आर्म्स और लेग्स हैं, और पॉट बेली है, यानी बिल्कुल पतली सी उसकी स्टमक है, और बहुत जल्दी से वो बीमार हो जाती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, और हमेशा, और वो स्कूल भी रेगुलरली वो नहीं जा सकती है, जस्ट बिकॉज कि वो जल्दी बीमार हो जाती है। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसके पास कोई इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो प्ले कर सके। फूड, शी इज लकी इफ शी कैन गेट अ लिटल राइस और वन रोटी टू ईट इन अ होल डे। तो वो इतनी, वो अपने आप को लकी समझती है अगर उसको पूरे दिन में थोड़े से राइस या फिर एक रोटी मिल जाए खाने के लिए। दैट मीन्स शी इज वेरी पुअर, ओके, कि उसके पास खाना भी नहीं है ठीक से खाने के लिए। नेक्स्ट है, सेकेंड केस है उनके पास, डॉक्टर अपर्णा के पास, कैलाश का। कैलाश है 7 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है, और वो अपनी एज से काफी बड़ा लगता है, वो काफी मोटा है, फैट है और फ्लैबी है। ही हैज पेन इन हिज लेग्स, और उसकी लेग्स पे काफी पेन होती रहती है। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, वो इतना एक्टिव भी नहीं है। ही गोज टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल में बस से जाता है, एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग वॉचिंग टीवी, और काफी टाइम वो टीवी देखने में बिताता है। और फूड वो क्या खाता है, वो कभी भी घर का खाना नहीं खाता है, लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स या रोटी वगैरह। उसको जो पसंद है वो है चिप्स बर्गर पिज्जा सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से लाया हुआ खाना उसे पसंद है। तो अब इन दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि जो गर्ल है वो बहुत ही पतली सी है, और जो बॉय है काफी हेल्दी है, कि उसको काफी मोटा है, हेल्दी नहीं कह सकते, काफी फैटी है वो, ठीक है। उसकी जो लेग्स हैं उसकी पेन होती रहती है, क्यों होती है, क्योंकि जब बॉडी पूरी भारी हो जाती है ना, तो सारा वेट लेग्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली रीजन उसकी लेग्स में पेन होती रहती है। तो डॉक्टर अपर्णा ने उनकी हाइट और वेट दोनों का मेजर किया। देन शी टोल्ड देम देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। तो दोनों के लिए एक ही सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, प्रॉपर फूड का। मतलब जो गर्ल थी जिसका नाम है रश्मि, रश्मि को खाना ज्यादा चाहिए, ठीक है, उसको प्रॉपर फूड चाहिए, यानी खाना ज्यादा चाहिए। और जो कैलाश है उसको खाना कम चाहिए और हेल्दी फूड चाहिए, ठीक है। तो हेल्दी फूड चाहिए उसको, घर का बना खाना, दाल रोटी ये सब चीजें उनको चाहिए, ठीक है। अब आगे है डिस्कस, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। अब जो रश्मि है वो एक ही रोटी क्यों खाती है पूरे दिन में, बिकॉज शी इज वेरी पुअर, शी इज वेरी पुअर, ओके, टू अफोर्ड प्रॉपर मील, टू अफोर्ड प्रॉपर मील, ठीक है। दैट इज वाई शी कुड ईट ओनली ओनली वन रोटी इन द होल डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको ये क्या आप सोच सकते हो कि कैलाश पसंद करता होगा गेम्स और स्पोर्ट्स को? नो, आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक स्पोर्ट्स। हिज फैट एंड फ्लैबी बॉडी शोज दैट ही डोंट लाइक फिजिकल एक्टिविटीज, ओके। तो आप इसमें राइट करोगे, नो आई डोंट थिंक कैलाश
would like games or sports. Okay, because of his is fat and flabby body. Okay, next है, what do you understand by proper food? proper food का मतलब क्या कह सकते हो? तो इसमें है आपका adequate and nutritious food according to one's body needs makes a proper food. तो आप इसका आंसर आप राइट कर सकते हो adequate and nutritious food. ठीक है, उसको हम प्रॉपर मील कह सकते हैं. आगे है, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर? देखो इसमें है कि आप बता सकते, आप कैसे बता सकते हो कि जो रश्मि और कैलाश का जो फूड है वो प्रॉपर नहीं है. रश्मि इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट फूड. जो रश्मि है उसको एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड कैलाश इज टेकिंग टू मच फूड देन वॉट हिज बॉडी नीड्स. उसकी बॉडी को जितना फूड चाहिए होता है उससे कहीं ज्यादा वो ले रहा है. मोर ओवर ही इज टेकिंग चिप्स बर्गर. तो उसके बाद वो चिप्स बर्गर वगैरह जंक फूड भी बहुत ज्यादा खा रहा है. इंस्टेड ऑफ ईटिंग होम मेड फूड दीज आर वेरी हार्मफुल. और वो होम मेड फूड की जगह वो जंक फूड खा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज. देखो जो आपके ग्रैंडफादर वगैरह हैं आप उनसे पूछो जाके कि वो लोग क्या खाते थे. ठीक है, आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट. तो क्या वो सेम चीज़ें हैं जो आप खाते हो? देखो आप इसमें आप राइट कर सकते हो कि आपके जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वगैरह है वो दाल रोटी चपाती सैलेड वेजिटेबल्स वो ये सब चीज़ें खाते थे. कर्ड हो गया मिल्क हो गया ये सब चीज़ें खाते थे. और आप लोग क्या सेम चीज़ें खाते हो या सिर्फ जंक फूड वगैरह ही खाते हो या और आपका जो लाइफस्टाइल है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है. आप ये सब चीज़ें इसमें राइट कर सकते हो. ठीक है, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. तो जो जो हर चाइल्ड का एक राइट होता है प्रॉपर फूड, क्या ये सबको मिल रहा है? तो यू हैव रेड अबाउट टू चिल्ड्रन. आपने ये दोनों बच्चों के बारे में पढ़ा है. ठीक है, वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड. एक कैलाश है जो उसको घर का खाना पसंद ही नहीं है. और दूसरी तरफ रश्मि है जिसको एक टाइम का प्रॉपर फूड भी नहीं मिल रहा है. अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि. हमारी कंट्री में आधे बच्चे इस तरह के हैं रश्मि की तरह. दे डू नॉट गेट इनफ फूड. उनको अच्छे से खाना भी नहीं मिलता है टू ग्रो अप. ठीक है, जो जिससे वो ग्रो कर सके. ठीक है, दीज चिल्ड्रेन आर वेरी वीक एंड सिक. ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी वीक हैं और सिक हैं. बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. और ये हर बच्चे का एक राइट है ताकि उसको पूरा ढंग से खाना मिल सके. लेकिन क्या वो राइट पूरा हो रहा है? आई डोंट थिंक सो. उनको पूरा ये राइट नहीं मिल रहा है. तो आगे अब दिस एंड्स विद योर चैप्टर. सो आई थिंक ये आगे जो पेज नंबर 34 पे क्वेश्चंस हैं तो इसके अंदर क्या है, इसमें आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद ही करने हैं. थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया है. तो इसमें है, टेस्ट आर डिफरेंट फूड आइटम्स एंड रेंज फ्रॉम स्वीट सॉल्टी सोर एट्सेट्रा. टेस्ट बर्ड्स इन अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट वी ईट स्लोली chew our food properly to improve our digestion. Food habits vary from person to person with time with our food habits change. When someone falls sick
and can't intake food, glucose is given to him or her. Our stomach secretes different juices which help us in digestion. Every child needs proper food for development. Hunger is one of the main causes of malnutrition in our country. ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर में ये सब पढ़ा है. सो अब आप इसे पढ़ो, इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करो. सो थैंक यू सो मच.